कोरोना काल में जिस तरह डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान का रूप बनकर लोगों की जान बचाई, डॉक्टरों का योगदान अतुलनीय है। यह उद्गार संत सतराम दास दरबार के साय नितिन राम ने दरबार में 13वें संत वासुदेव राम साहिब की पुण्यतिथि पर आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है। दरबार के प्रवक्ता ओम प्रकाश उमी ने कहा कि शिविर का शुभारंभ साई वासुदेव राम साहिब के चित्र पर साई नितिन राम, साई महेश राम, शिवालय परिवार के महंत गणेश दास सिंधी, सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष ओम प्रकाश अंदानी, अशोक मदान, गिरधारी चावला आदि लोग मौजूद रहे। वासुदेव राम साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष में ये चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया है और चिकित्सा शिविर का एक ही मकसद है कि लोगों को लाभ पहुंचाना। जो लोग डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, सही सलाह नहीं ले पा रहे हैं, उनको सही सलाह देना। और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पहुंच नहीं पा रहे हैं डॉक्टरों के पास, तो उनके लिए डॉक्टर यहीं पे बंदोबस्त कराया गया है कि आप लोग आके पास में ही सब लोग दिखाएं। और इस चिकित्सा शिविर में कोई भी किसी से चार्जेस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साईं वासुदेव राम साहब का एक ही मकसद था कि समाज का भला हो और लोगों को इस दरबार के थ्रू जो है लोगों को लाभ मिले, कोई भी लाभ हो, चिकित्सा का हो, और भी शादियां हो लोगों की, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य थे जो हमारे पूर्वज करते आए थे। तो सबका सहयोग है, सिंधी सेंट्रल पंचायत का और हमारे बहुत सारी संस्थाएं हैं हमारे समाज में उनका, और आप मीडिया लोग का भी स्वागत है यहाँ पे कि आपके थ्रू ये मैसेज जा रहा है और लोगों तक पहुँचेगा और इसका अगले साल और लाभ उठाएंगे लोग। तो आप सबका स्वागत है सचो सबका। बारे में बताने से पहले दो मिनट इतिहास में बताऊंगा पीछे की चीज़ें। साईं वासुदेव राम साहब की आज पुण्यतिथि है, उनकी आज ये 13वीं पुण्यतिथि है। और साईं वासुदेव राम साहब ऐसे संत हुए हैं हमारे सिंधी समाज में कि जिन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा न किया। उनको जिन लोगों ने देखा है उनको याद होगा कि हमेशा एक से देखे, न कोई दिखावा, न पहनावा, न कोई बहुत बड़ा उनका तामझाम। साधारण से आदमी, रिक्शे पे मन किया रिक्शे पे चले गए, पैदल मन किया पैदल चले गए। और पर उनमें जो प्रतिभा थी उनको तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, संत परिवार से वो चूँकि नाता रखते थे। तो यहाँ पे सिंध से आने के बाद में उनके गुणों की वजह से और जो उनमें अलौकिक चीज़ें थीं उनकी वजह से आसपास के जिलों के तमाम सिंधी बंधु उनमें बड़ी आस्था रखने लगे। यहाँ तक कि भारतवर्ष के भी कई जिलों से उनकी जो सालाना उत्सव मनाते थे उसमें लोग आते थे। तो ऐसे महान संत की स्मृति में जब उनका देहांत हुआ तो उनके सुपुत्र साईं नितिन लाल साहब ने बहुत सारे आयोजन वो वर्ष भर करते हैं, पर उनकी स्मृति में यह मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें फैजाबाद के स्वजातीय बंधुओं के अलावा क्षेत्र के सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। और जिसमें महिला रोग, फिजिशियन, दंत रोग, बाल रोग और आँखों से संबंधित रोगों के अलावा अन्य तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, चश्मे बांटे जाते हैं, दवाइयाँ बांटी जाती हैं, यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पे लोगों के ऑपरेशन भी डॉक्टर साहब के ओटी में जाके कराए जाते हैं। तो यह सारे धर्मार्थ कार्य साईं जी की प्रेरणा से चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में यह अपना विस्तार लेगा और बहुत आसपास के जिलों को भी जोड़ेगा।